एटम की जान एटम की शान हमेशा पॉजिटिव रहने वाला न्यूक्लियस हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स न्यूक्लिया का वन शॉट वीडियो हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब कुछ एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो सो तैयार हैं सभी लोग लेट्स गेट स्टार्टेड न्यूक्लियस होता है एटम का वो वाला सेंटर जहां पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास डेंसली कंसंट्रेटेड होता है हमने एटम वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि एटम एज़ सच पूरा का पूरा खाली होता है और उसका सारा मास और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में कंसंट्रेटेड होता है और उसी बीच वाले जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियस एटम का वन शॉट वीडियो तो देखा ही होगा नहीं देखा तो अभी जाके देखो ओके सो कमिंग बैक टू न्यूक्लियस अगर हम न्यूक्लियस की साइज़ की बात करें कंपेयर टू द एटम तो न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटू होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है वन कंपेयर टू द एटम इतना छोटा कि अगर मान लो कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो इस क्रिकेट बॉल की तरह है तो एटम का साइज़ पता है कितना होगा एटम का साइज़ होगा एक इतना बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस है फाइव किलोमीटर कैन यू इमेजिन इतना बड़ा स्फीयर अगर एटम है तो न्यूक्लियस कितना बड़ा है एक छोटू सा क्रिकेट बॉल के जितना न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पी फॉर प्रोटॉन पी फॉर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एन फॉर न्यूट्रॉन एन फॉर न्यूट्रल राइट अब आप देखे हो कि एलिमेंट्स के हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं सो वॉट डू वी मीन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एलिमेंट के अंदर उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर आमतौर पर हम एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं दूसरा एक टर्म आता है विच इज मास नंबर जिसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है ठीक है मास नंबर इसे हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल A से फ्रॉम एटॉमिक मास यस और एटॉमिक होता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों चीजें होती है कहां पर न्यूक्लियस के अंदर और मैंने पहले ही क्या बताया था कि एटम का बाकी पूरा जगह जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली सा रहता है बीच में उसका पूरा मास डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस में इसका मतलब जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम किसके किसके मास को कंसिडर करेंगे अफकोर्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास को कंसिडर करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं न्यूक्लियॉन्स अब अगर बात करें चार्ज की तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है यानी कि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं एटम के अंदर होता क्या क्या है जस्ट अ क्विक रिकैप एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ कौन घूमते फिरते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो लेटस एज्यूम कि हमारे पास कोई एक ऐसा एटम है जिसके अंदर लेट्स लेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है हर e, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई ठीक है तो टोटल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा माइनस जेड ई क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो अब आप मुझे यह बताओ कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना होना चाहिए प्लस जेड ई कोर्स क्योंकि पूरा का पूरा एटम को क्या होना है न्यूट्रल होना है तो इसीलिए आमतौर पर हम क्या करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर होता है क्योंकि देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है यानी कि न्यूट्रॉन का चार्ज के केस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो चार्ज में कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है प्रोटॉन तो प्रोटॉन टोटल नंबर कितने होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज जेड तो यानी कि न्यूक्लियस का नेट चार्ज कितना होगा प्लस जेड ई एज्यूमिंग की चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज प्लस ई एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज जेड सो द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई अब बात करेंगे कि एटॉमिक मास को हम मेजर कैसे करते हैं वेल well, एक अलग यूनिट होता है इसके लिए विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट जिसे शॉर्ट फॉर्म में ए एम यू या फिर सिंपली यू से भी डिनोट किया जाता है वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्थ द मास ऑफ वन सी ट्वेल्व एटम एक कार्बन ट्वेल्व एटम का जितना मास होता है उसका वन बाई ट्वेल्थ दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट तो जब हम एक C12 के मास की वैल्यू डाल के AMU की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी फाइंड आउट कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी केजीज एंड दिस एग्जैक्टली इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन तो ये तो हो गई एटॉमिक मास के यूनिट की बात एटॉमिक मास को हम एक्चुअली में मेजर करते कैसे हैं सो फॉर दैट वी यूज अ स्पेक्ट्रोमीटर तो बच्चों देखो अभी तक हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर कई सारी चीज़ों की बातें की अब यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करूँगी कुछ ऐसे टर्म्स जो आगे जाके आपको एनकाउंटर होते रहेंगे जैसे कि आइसोटोप्स आइसोबार्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं ये ठीक है इससे पहले कि हम इनको डिस्कस करें एक जनरल सी बात बता देती हूँ कि जनरली हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिनोट कैसे करते हैं लेटर सपोज ये हमारा कोई एक एलिमेंट है एक्स तो इसका एटॉमिक नंबर को हम ऐसे सबस्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं यहाँ पर और इसके मास नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पर तो जैसे मान लो अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे कार्बन सी इसका एटॉमिक नंबर है सिक्स और अगर इसका मास नंबर है ट्वेल्व सो दिस इज हाउ वी राइट ठीक है तो चलो अब देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है अब आप सोचोगे कि ऐसा पॉसिबल है क्या क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हर एलिमेंट का यूनिक होता है राइट एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है अब हम बोलना चाह रहे हैं कि उसी एलिमेंट के दो अलग अलग फॉर्म्स पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है एग्जाम्पल जैसे मान लो कार्बन ट्वेल्व एंड कार्बन फोर्टीन है तो दोनों ही कार्बन राइट यानी कि अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है सिक्स है लेकिन जो मास नंबर है वो दोनों का अलग है एक का मास नंबर है ट्वेल्व दूसरे का मास नंबर है फोर्टीन इसका क्या मतलब है इनके केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बराबर है लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग है ठीक है तो इन्हें हम क्या कहते हैं दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर ठीक है दूसरा है आइसोबार्स आइसोबार्स क्या होते हैं एक्जैक्टली उल्टा यानी कि एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है राइट right? मतलब अब ये दो दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं क्यों क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग हो गया करेक्ट तो दो अलग एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स टॉक अबाउट कार्बन फोटीन ठीक है और नाइट्रोजन ठीक है देखो कार्बन फोर्टीन वाला जो आइसोटोप है इसमें क्या है इसका एटॉमिक नंबर सिक्स है बट मास नंबर फोर्टीन है अगर नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर सेवन है मास नंबर फोर्टीन है अब इन दोनों को कंपेयर करो देखो मास नंबर दोनों का क्या है सेम है लेकिन चूंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो दे आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स है ना तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे दे आर आइसो ऑफ ईच अदर ठीक है ओके okay. अब बचा आइसोटोन्स आइसोटोन्स में क्या होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोन टोन मतलब न्यूट्रॉन ऐसे याद तो, नाइसोटोन टोन बोले तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है इसका एग्जाम्पल देखते हैं अस से बी ट्वेल्व बोरोन टवेल्व एंड सी थर्टीन कार्बन थर्टीन इनके देखो क्या है इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है एक कार्बन है तो एक बोरॉन है तो कार्बन का एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर क्या होता है का है बोरॉन का राइट तो दोनों के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं इनफैक्ट मास नंबर्स भी अलग अलग हैं देखो बोरॉन का मास नंबर यहां पे है ट्वेल्व कार्बन का है थर्टीन तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है मास नंबर अलग है क्या सेम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं सोचो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ प्रोटॉन। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेक्ट तो यहां पे देखो ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन थर्टीन माइनस सिक्स सेवन तो दोनों में ही चाहे हम बी ट्वेल्व की बात करें या सी थर्टीन की बात करें दोनों में ही कितने न्यूट्रॉन्स हैं सेवन न्यूट्रॉन्स हैं इसमें भी और इसमें भी तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए आइसोटोन्स तो बच्चों अब बात करेंगे हम साइज ऑफ अ न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है इसके बारे में किसने सबसे पहली बार बात की थी याद है न्यूक्लियस के बारे में जैसे डिस्कशन शुरू होता है ना तो कौन सी एक्सपेरिमेंट याद आती है रदर एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट याद होगा अरे पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में रदर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ठीक है तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके का था जहां पर रदर ने यूज किया था एक गोल्ड फॉयल जैसा कि देख रहे हो एक गोल्ड का फॉइल यूज़ किया इसके अलावा यूज़ किया एक रेडियो एक्टिव सैंपल जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो मैंने अभी अभी बताया अल्फा पार्टिकल्स कौन एमिट करने के केपेबल होता है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है ठीक है तो ये मेरा रेडियो एक्टिव सैंपल है और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स देखो ऐसे एमिट कर रहा है ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल्स ये अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं इस गोल्ड फॉइल पर ठीक है इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सर्कुलर शेप का एक स्क्रीन है तो ये एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने लगभग ये तो एस्टिमेट कर लिया था कि न्यूक्लियस का साइज कितना है तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एस्टिमेट एक एटम का जो साइज होता है उससे टेन थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर होता है एक न्यूक्लियस समझ रहे हो टेन थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर होता है न्यूक्लियस है? तो अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा रिलेशनशिप जो ये बताएगा कि एक न्यूक्लियस का रेडियस जो है ये रिलेटेड होता है किससे मास नंबर से ठीक है तो अगर मान लो कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है ए मतलब कोई एटम का न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है ए तो न्यूक्लियर रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर वन बाई थ्री वेर आर नॉट इज अ कांस्टेंट ठीक है एंड लेट मी टेल यू बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इस रिलेशन के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है इसी रिलेशन के ऊपर बेस करके ये फाइंड आउट किया गया कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर लेकिन न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर अब आप बोलेंगे हम क्यों मान ले कि ऐसा होता है हम क्यों मान ले कि वॉल्यूम मास नंबर पे डिपेंड करता है और डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है तो चलो कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ ध्यान में रखना है इस रिलेशनशिप को ठीक है सबसे पहले प्रूव करेंगे पहला पॉइंट कि वॉल्यूम जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ओके ठीक है वॉल्यूम न्यूक्लियस किस शेप का होता है एक स्पेयर के शेप का होता है वॉल्यूम ऑफ अस्फेयर क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक है यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता है पता है तो डालो ना फिर तो यहाँ पे हम डाल देंगे आर नॉट ए टू द पावर वन बाई थ्री इसका होल क्यूब ठीक है तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर नॉट क्यूब इन ए क्योंकि ए टू द पावर वन बाई थ्री टू द पावर थ्री तो ये हो जाएगा ए अब देखो ये पूरी चीज जो है दिस इज ऑल कॉन्स्टेंट है ना ये पूरा कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है दैट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड ए इज़ मास नंबर तो हमने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम जो है मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की यानी कि डेंसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर कि यार वॉल्यूम तो मास नंबर पे डिपेंड करता है बट डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करता है ऐसा हो सकता है क्या चलो करके देखते हैं डेंसिटी होता क्या है सबसे पहले तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम ठीक है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बिल्कुल अब मास क्या होगा देखो मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही लोग रहते हैं तो मान लो कि एक न्यूक्लियॉन का मास है स्मॉल एम ठीक है तो एक न्यूक्लियॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लिय नंबर ऑफ न्यूक्लिय कौन बताता है मास नंबर राइट इनटू मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या होता है मास नंबर तो हम मास ऑफ द न्यूक्लियस को लिख सकते हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इनटू मास नंबर ठीक है ओके वॉल्यूम okay. को हम क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तो निकाला था यही लिख सकते हैं यहाँ से तो इसको हम लिख सकते हैं फोर बाई थ्री पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए डेंसिटी क्या हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अब देखो यहां पे क्या हुआ ए और ए कैंसिल हो गया यानी कि रो की जो वैल्यू है इसमें अब ए का कोई रोल ही नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि जो डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए दैट इज मास नंबर क्लियर स्क्वायर फिजिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो दिया था आइंस्टाइन ने जिसे पॉपुलरली कहा जाता है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वी तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये कहता है कि मास जो है वो भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिस तरह से किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरे एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से मास एनर्जी को भी हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वे सी इज दिटी ऑफ लाइट ई इज एनर्जी एम इज मास ये रिलेशनशिप हमें हेल्प करता है न्यूक्लियर मासस को समझने में और न्यूक्लियाई के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को समझने में तो भाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखे वही होती है ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एटम्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन बिल्कुल साफ-साफ पता चल रहा था है ना तो चलो इसको मैथमेटिकली समझते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल ठीक है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का जिसका एटॉमिक नंबर एट है और मास नंबर है सिक्सटीन ठीक है इसका मतलब क्या है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं एट प्रोटॉन्स हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर एट है कितने न्यूट्रॉन्स हैं एट न्यूट्रॉन्स हैं क्यों क्योंकि मास नंबर सिक्सटीन है ना ओके ठीक है तो अब इसके जो आठ प्रोटॉन्स हैं उनका मास कितना होगा और इनके जो आठ न्यूट्रॉन है उनका मास कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट ठीक है तो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि आठ प्रोटॉन का मास इतना है आठ न्यूट्रॉन का मास इतना है ठीक है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा राइट यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन सम masses ऑफ एट protons एंड एट न्यूट्रॉन्स ये कितना हो जाएगा ये वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू ठीक है विच विल कम आउट टू बी तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ठीक है अच्छा मैंने ये भी बताया था कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है एटॉमिक मास यूनिट दूसरा एटॉमिक मास हम मेजर कैसे करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से तो जब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेजर करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी आती है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी अगर हम इसकी एटॉमिक मास निकालें तो वो एटॉमिक मास आती है 15.99493 यू ठीक है अब ये जो एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आ रही है ये पूरे ऑक्सीजन एटम की आ रही है ठीक है अब ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है और कौन है इलेक्ट्रॉन भी है हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजेबल होता है बहुत कम होता है बट स्टिल है तो सही राइट तो अब हमने क्या किया हमने बोला नहीं भाई इलेक्ट्रॉन का भी मास हटाओ इसमें से तब इसकी वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी राइट तो हमने इस वैल्यू से आठ इलेक्ट्रॉन्स के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब हमें देखो क्या मिला नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मिला ठीक है और ऑक्सीजन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मतलब ऑक्सीजन का एटोम मतलब ऑक्सीजन का जो मास है एटॉमिक मास क्या ऑक्सीजन का यहां पे जो हमने मास लिखा है दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस राइट क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया है तो इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया है मतलब अभी ये कौन से वाला मास है ये न्यूक्लियस का मास है ठीक है तो इसका जो मास है और न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनका जो सम ऑफ द मास है ये दोनों आइडियली बराबर ही होना चाहिए था राइट मतलब जब हम कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास मेजर किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो इतना आया ठीक है अब ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो बना हुआ है आठ प्रोटॉन और आठ न्यूट्रॉन से तो आठ प्रोटॉन का मास प्लस आठ न्यूट्रॉन का मास उतना ही आना चाहिए था बट क्या उतना आया है नहीं आया है यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो इसके के के एटॉमिक से कम है सो दिस दिस मास मास। इज़ लेस देन समझ में आ रही है बात कि इन दोनों मास के बीच में एक डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट ठीक है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट एंड लेट मी टेल यू ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे बट दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट तो ध्यान से समझना है तो मास डिफेक्ट का इन जनरल मतलब क्या हुआ मास डिफेक्ट जिसे हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिटूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के कॉन्स्टिटूंट्स कौन कौन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन का टोटल मास कितना होगा मास ऑफ द प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताता है एटॉमिक नंबर ठीक है सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन बताता है मास नंबर सिर्फ मास नंबर नहीं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर राइट मतलब मास नंबर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हटा दो तो बेसिकली मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटा दो ठीक है तो ये क्या हो गया ये हो गया सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक है ये बड़ा होता है तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे मास ऑफ द न्यूक्लियस जिसे हम एम से डिनोट करेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट अब मास डिफेक्ट का रोल क्या है मास डिफेक्ट का ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन एटम को या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को तुम्हें तोड़ना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बात को समझना अच्छे से ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कम है कंपेयर टू उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एनर्जीज के सम है उससे बात समझ में आ रही है अभी ऑक्सीजन गोटा है तो ऑक्सीजन का ये जो गोटा जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियस इसकी जितनी एनर्जी है और ऑक्सीजन का वो न्यूक्लियस जिन चीज़ों से बना है उन चीज़ों के एनर्जीज को जब हम सम कर रहे हैं तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब अगर तुम ऑक्सीजन को तोड़ना चाह रहे हो इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को अगर इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सेपरेट आउट करना चाह रहे हो तो तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी विल बी कॉरस्पोंडिंग टू दिस डेल्टा एम मतलब ये जो मास डिफेक्ट है इस मास डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी तुम जब दोगे तब जाके ऑक्सीजन ब्रेक करेगा जैसे कोई भी सामान को ब्रेक करने के लिए अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए सिमिलरली ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को अगर तुम उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स में तोड़ना चाह रहे हो तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डेल्टा एम एग्जैक्टली कितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इन सी स्क्वायर वो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले कॉन्सेप्ट

टी का जो मास होता है ये ज्यादा होता है इसीलिए इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूक्लियस का मास इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से ठीक है यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल क्लियर है अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की ये क्या होता है इसे हम डिनोट करते हैं ई e, बी से एनर्जी है इसीलिए ई बाइंडिंग एनर्जी है इसीलिए यहाँ पे हमने बी सब्सक्रिप्ट यूज किया ई e, बी क्या होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लॉजिक से ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा एम इज दिस मास डिफेक्ट ठीक है ओके तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली लॉजिकली ये क्या बताता है सोच के देखो मैंने क्या बोला एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस को अगर आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ना है तब आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ई e बी एनर्जी तब आपको देनी पड़ेगी इसका मतलब है ये जो एनर्जी है ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी यानी कि इन सम वे ये जो एनर्जी है ये ये बताता है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे से कितने अच्छे से बाइंडेड हैं कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं राइट right? लॉजिक अच्छे से सोचो एकदम लॉजिकली सोचो अगर ईबी की वैल्यू ज्यादा है राइट right? इसका मतलब अगर इस पेन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मुझे इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इस पेन के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है उसी लिए तो इनको तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है राइट right? सिमिलरली अगर ई की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज ठीक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या बताता है इट इज मेजर ऑफ हाउ वेल अ न्यूक्लियस इज हेल्ड टूगेदर मतलब कितने अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से बॉन्डेड है तो जितनी ज्यादा ई बी की वैल्यू उतने स्ट्रांगली वो बॉन्डेड है ठीक है बात समझ में आई तो जितनी ज़्यादा ई बी की वैल्यू उतने अच्छे से वो बॉन्डेड है और ये ई बी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलता है मास डिफेक्ट से मिलता है राइट मास डिफेक्ट क्या है डेल्टा एम मास डिफेक्ट क्या है ये तो समझ में आ गया ना सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास का सम माइनस न्यूक्लियस का मास बच्चों बार बार बता रही हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तो सबको समझ में आ गया बट इसको थोड़ा और जनरलाइज करने के लिए एक और टर्म आया विच इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अब आप पूछोगे इसकी क्या जरूरत थी जरूरत थी जब हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की सिर्फ बात करते हैं ना तो उसकी वैल्यू अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होती है राइट right? क्योंकि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो स्टैंडर्ड नहीं है राइट right? किसी के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी किसी के लिए कम होगी राइट दट इज नॉट अ जेनरलाइज थिंग बट जैसे ही मैंने बोला न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अब उसके बाद क्या हो गया कि भैया मैं ऑक्सीजन की बात करूँ कार्बन की बात करूँ किसी की भी बात करूँ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक न्यूक्लियॉन के पर हेड समझ रहे हो ना पर हेड बोले तो मतलब एक न्यूक्लियन पर कितना न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है तो दिस इज अ मोर जनरलाइज कॉन्सेप्ट ठीक है तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम डिनोट करते हैं ई बी एन सबस्क्रिप्ट में एक एन भी लगा दिया विच मीन्स दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ठीक है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियंस ठीक है मतलब एक न्यूक्लियस को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ठीक है अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे इस प्लॉट में यहाँ पे हमें एक प्लॉट दिख रहा है जहाँ पर वाई एक्सिस में है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एक्स एक्सिस में है मास नंबर ठीक है अब अच्छे से इस ग्राफ का पैटर्न देखो ग्राफ कैसा है जब मास नंबर बहुत कम है

पहली बात कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए ई बी एन की जो वैल्यू है वो कम है ठीक है दूसरी बात पता चली कि जो हेवियर न्यूक्लियाई हैं, उनके लिए भी जो ई बी एन की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम ही है मतलब तो कम की तरफ ही है जो मीडियम रेंज वाले न्यूक्लियाई हैं उनके लिए जो ईबीएन की वैल्यू है दिट इज कांस्टेंट वो कांस्टेंट रह रही है कांस्टेंट भी रह रही है एंड कंपैरेटिवली हाई है ठीक है तो ये तीन बातें हमें इस ग्राफ से पता चलती है अब सोचने वाली बात ये है कि इन तीन बातों का सिग्निफिकेंस क्या है चलो एक एक करके समझेंगे सबसे पहले बात करेंगे लाइटर न्यूक्लियाई के बारे में ठीक है अब देखो लाइटर न्यूक्लियो की कहानी क्या है लाइटर न्यूक्लियाई है इस ग्राफ से पता चल रहा है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब क्या है बाइंडिंग एनर्जी कम है आसानी से तोड़ सकते हैं कम ही तो है एनर्जी थोड़ा सा एनर्जी चाहिए और टूट गया राइट इसका मतलब अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है वो आसानी से टूट जाएगा यानी कि लेस स्टेबल है करेक्ट अब लेस स्टेबल कौन रहना चाहता है कोई नहीं रहना चाहता है सबको ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए है ना सबको लाइफ में भी ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए राइट तो भाई लाइटर न्यूक्लियाई को भी ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करता है लाइटर न्यूक्लियाई कहता है कि यार एक काम करते हैं मैं तो कम स्टेबल हूं मुझे ज्यादा स्टेबल होना है तो एक लाइटर न्यूक्लियाई दूसरा लाइटर न्यूक्लियाई साथ में जुड़ जाता है ठीक है और बना लेता है एक हैवी न्यूक्लियस ठीक है क्यों क्यों बनाया इन्होंने क्योंकि ये दोनों वैसे ही कम स्टेबल थे इनको ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए थी तो इन्होंने ये रास्ता चुना तो यहाँ पे देखो क्या हुआ इनका मान लो जो भी ई बी एन की वैल्यू थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कम थी ई बी एन की वैल्यू कम थी तभी तो ये कम स्टेबल थे तो इन्होंने मिल के जो भी हेवी न्यूक्लियाई बनाया इसका मान लो जो भी ई बी एन की वैल्यू है लेट्स ए बी एन डैश है इस ये ई बी एन डैश की वैल्यू इस ई बी एन से तो ज्यादा है करेक्ट इसका मतलब ये जो ई बी एन डैश की वैल्यू यहाँ बनी दैट इज ग्रेटर देन ई बी एन वही तो पर्पस था बनाने का अब न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कंपैरेटिवली थोड़ा टाइटली बॉन्डेड है कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है बट यहाँ से ये भी पता चला कि यार ये जब रिएक्शन इस तरह का हो रहा है ना तो इधर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है इसका मतलब है इस रिएक्शन के होने के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है बच्चों और यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा एक खतरनाक मस्त इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन में एक्जैक्टली exactly यही चीज़ होती है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक हीवी न्यूक्लियस बनाते हैं और उस प्रोसेस के दौरान खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है राइट एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी विल सी इन मोर डिटेल जब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है तो ये एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट समझ में आया अब डिस्कस करेंगे हम हेवियर न्यूक्लियस वाला सिनारियो ठीक है हेवियर न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है कि भाई हेवियर न्यूक्लियाई के केस में भी उनका जो ई बी एन की जो वैल्यू है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम ही है कम है मतलब वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है यानी कि वो लेस स्टेबल है तो अब हेवी न्यूक्लियाई को भी कोई रास्ता चाहिए तो हेवी न्यूक्लियाई ने अपना रास्ता चुना कि भाई मैं क्या करता हूँ ना चूंकि मैं तो एक हेवी न्यूक्लियाई को मैं अपना स्प्लिट करके दो लाइट न्यूक्लियाई बना देता हूँ तो इसने क्या किया? ये स्प्लिट करके दो लाइटर रास्ता चुना अगर वो स्टेबल ही होता तो, तो कोई टेंशन ही नहीं थी ई बी एन कम थी तभी तो वो कम स्टेबल था तो इसका मतलब जो उसने अब बनाया है उसकी ई बी एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो बट वो इस ई बी एन से ज्यादा है राइट सो दिस मीन्स ई बी एन डैश की वैल्यू यहाँ पे ई बी एन से ज़्यादा है तो यहाँ पर भी इसका मतलब जब इस तरह का रिएक्शन हो रहा है तो इस तरफ एनर्जी ज़्यादा हो रही है यानी कि इस दौरान भी एनर्जी क्या हो रही है रिलीज़ हो रही है तो बच्चों देखो मजेदार बात हमने यहां देखी कि यार सिर्फ तभी नहीं जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं बल्कि जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होके दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाता है तभी भी खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन और इसके भी बारे में हम डिटेल में थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे तो चलो भाई अब पहुंच जाते हैं हम लोग थर्ड सिनेरियो में जहां पर हम मीडियम साइज़ वाले न्यूक्लियाई की बात करेंगे जहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ई की वैल्यू है एक तो हाई रह रही है और लगभग कांस्टेंट रह रही है स्टेगनेंट रह रही है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो यहाँ पर हम एक स्टोरी का हेल्प लेंगे ये बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है न्यूक्लियॉन्स के आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी बात करते हैं हम ठीक है तो लेट अस सपोज कि ये एक न्यूक्लियॉन है इसके आसपास इस तरीके से लेट से और न्यूक्लियॉन्स हैं ठीक है एक मैं ये एक बहुत ही स्टोरी फॉर्म में समझा रही हूँ ठीक है सो डू नॉट रिलेटेड टू रियलिटी ठीक है तो ये वाले न्यूक्लियॉन की मैं बात कर रही हूँ तो इसकी जो बॉन्डिंग है ना इसकी इन लोगों से बॉन्डिंग है जो बिल्कुल इसके आसपास है ठीक है मतलब जैसे समझ लो कि आप हो ठीक है आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो आपके अपने फैमिली से है जो आपके घर के अंदर रहते हैं उससे थोड़ी कम बॉन्डिंग आपके पड़ोसी से है उससे भी थोड़ी कम बॉन्डिंग उनसे है जो थोड़े और दूर रहते हैं और फाइनली जो आपके घर से बहुत दूर रहते हैं उनको शायद आप जानते भी नहीं हो और आपको फर्क नहीं पड़ता है राइट सो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है अब देखो इनके जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है या फिर जो नियरेस्ट नेबर है उनके साथ इनकी बॉन्डिंग लगभग वैसी ही रह रही है अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थोड़े बहुत इसमें बढ़ भी जाए उससे इस बंदे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है समझ रहे हो तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है मिडिल वाले रेंज में मिडिल वाले रेंज में क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ भी रहा है ना उससे ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं तब क्या हो रहा है तब फर्क पड़ने लग जा रहा है और जैसे ही फर्क पड़ने लग जा रहा है तो क्या हो रहा है वो हेवी न्यूक्लियाई की कैटेगरी में आ जा रहा है और हेवी न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग हो जा रही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था इससे पहले ठीक है तो जो मीडियम वाला रेंज है मीडियम वाला रेंज वैसा है जहाँ पर थोड़ा बहुत नंबर ऑफ न्यूक्लियन या फिर मास नंबर इनक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है तो इन सम वे ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये वाला जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इन सम वे ये ऑब्जर्वेशन हमें यह भी बताता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दिस इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स ठीक है मतलब ये कैसा फोर्स है डिस्टेंस अगर बहुत बढ़ जाएगा ना जैसे मैंने बताया आपका घर दस घर के बाद जो नेबर रहता है उसके साथ आपका यू नो लगाव इतना नहीं है तो कुछ वैसा ही न्यूक्लियर फोर्स के साथ होता है न्यूक्लियर फोर्स जो है ये कैसा होता है ये होता है शॉर्ट रेंज्ड तो इसीलिए जब थोड़े से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ भी रहे हैं ना चूँकि वो आपके इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में इतना फर्क दिख नहीं रहा है लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं तो वो हैवियर न्यूक्लियस की कैटेगरी में फॉल कर जा रहे हैं और तब फिर कहानी अलग हो जा रही है न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं दैट मीन्स ये किस तरह का फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है अब इस फोर्स के के बारे में कई सारी खास बातें हैं जैसे कि दिस इज द स्ट्रॉगेस्ट फोर्स चाहे कूलम फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो सारे फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स दूसरी खास बात यह कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है मतलब जैसे जैसे आर का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स कम होने लगता है इसीलिए तो यह न्यूक्लियस के अंदर ऑपरेट करता है न्यूक्लियस अपने आप में ही सोचो ना कितना छोटा है बहुत ही ज्यादा छोटा है हमें तो मॉलिक्यूल्स ही दिखते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है एटम के अंदर न्यूक्लियस

फोर्स कितना होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की जब हम बात करते हैं तो इज नो सिंपल मैथमेटिकल ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स फोर्स न्यूक्लियर न्यूक्लियर के बाद बारी है एनर्जी की क्या आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर खूब सारी एनर्जी होती है यस एंड द एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी ये एनर्जी हमें मिलती कब है जब या तो एक हेवी न्यूक्लियस टूट जाता है इनटू टू रिलेटिवली लाइटर रिलेटिव या फिर अगर दो लाइट एक दूसरे के साथ एनर्जी तो रिलीज होती है तो आप समझ रहे हो ना न्यूक्लियस तो हर तरफ है भाई हर आइटम में न्यूक्लियस है और हम कह रहे हैं कि हर न्यूक्लियस में से एनर्जी आ सकती है तो यानी कि दिस अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द एनर्जी क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड तो न्यूक्लियर एनर्जी पाने के जो ये दो तरीके थे दे आर बेसिकली द न्यूक्लियर रिएक्शंस तो हम यहाँ पर बात करेंगे दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन फिशन वर्ड का मतलब क्या होता है स्प्लिट करना तो so, जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट करके दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाता है और उस प्रोसेस के दौरान खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन फ्यूज करना मतलब मिल जाना कंबाइन होना जब दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस उस दौरान भी खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन इन डिटेल ठीक है ये तो हमें पता ही है कि एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा लाइटर न्यूक्लियाई में और उस दौरान खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ जो तस्वीर दिख रही है ये फर्मी की है जो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियर फिशन को परफॉर्म किया था तो उन्होंने यूज किया था यूरेनियम का सैंपल यूरेनियम 235 जिसका मास नंबर टू है वो वाले यूरेनियम का सैंपल यूज किया था विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर और इसे बॉम्बार्ड किया था विथ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि कई सारे नए सब्सटेंसेस निकले एज प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम खूब सारी एनर्जी तो ऑब्वियसली निकल के आई तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली रिएक्शन में हुआ क्या तो देखो एक न्यूट्रॉन ने अटैक किया यूरेनियम 235 को तो ये जो न्यूट्रॉन जो अटैक करता है जिस न्यूक्लियस को उसे हम कहते हैं टारगेट न्यूक्लियस ठीक है तो यूरेनियम 235 हमारा टारगेट न्यूक्लियस था फिर यहां पे क्या बन गया यूरेनियम 236 बन गया ठीक है यूरेनियम का ही 236 मास नंबर वाला आइसोटोप बन गया लेकिन ये फर्दर ब्रेक डाउन कर गया देखो किसमें बैरियम और क्रिप्टन में और साथ में रिलीज हो गए तीन न्यूट्रॉन ठीक है तो यहां पे एक खास बात ये थी कि जो भी चीजें बन रही थी जो भी नए प्रोडक्ट्स बन रहे थे दे देवे मोस्टली रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड दे देवर अनस्टेबल इसकी वजह से वो रिएक्शन जो है ना चूकी कोई भी चीज अनस्टेबल होती है तो दे फर्दर वॉन्ट टू ब्रेक डाउन राइट यहाँ पे सबसे खास बात न्यूक्लियर फिशन को समझने के लिए जो सबसे खास चीज़ पे फोकस करना होगा दैट इज़ दिस थ्री न्यूट्रॉन तो कहानी बच्चों कुछ ऐसी थी कि एक न्यूट्रॉन आया न्यूट्रॉन ने किसको अटैक किया एक टारगेट न्यूक्लियस को अटैक किया जो टारगेट न्यूक्लियस यहाँ पर यूरेनियम 235 है और उसके बाद इसके प्रोडक्ट्स तो बने लेट्स नॉट टॉक अबाउट बैरियम क्रिप्टन जो भी बना क्या बना तीन न्यूट्रॉन निकल के आया जो वेरियम क्रिप्टन बना वो तो बना इसके अलावा तीन और न्यूट्रॉन निकल के आए एंड लेट मी टेल यू ये सारे न्यूट्रॉन क्या कैपेबल हैं दे आर कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट न्यूक्लियस राइट अगर चाहे तो ये न्यूट्रॉन एक और टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता है ये एक और टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता है ये एक और टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता है और फिर यहां से तीन न्यूट्रॉन यहां से तीन न्यूट्रॉन यहां से तीन न्यूट्रॉन एलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स राइट तो समझ में आ रहा है किस तरीके से ये फिशन का जो रिएक्शन है दिस कुड बी अ चेन रिएक्शन एक न्यूट्रॉन से तीन तीन न्यूट्रॉन से नौ नौ न्यूट्रॉन से और ज्यादा राइट right? बात समझ में आ रही है हाउ डज इट अकर सो दैट इज द ऑफ न्यूक्लियर फिशन ठीक है और इन रिएक्शंस के दौरान जब भी ये एक रिएक्शन होता है तो इस दौरान हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और उसी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं ठीक है तो न्यूक्लियर फ्रिशन एक ऐसा रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे देखा दैट इज अ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूट्रॉन से इंड्यूस होता है न्यूट्रॉन से स्टार्ट होता है इस तरह का रिएक्शन तो यहां पर दो लीड रोल किन्होंने प्ले किया एक तो न्यूट्रॉन ने और दूसरा टारगेट न्यूक्लियस टारगेट न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन ने बॉम्बार्ड किया और वहां से हमारा इस तरह का एक रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो गई अब ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दो कैटेगरीज के हो सकते हैं एक हो सकता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड जो कंट्रोल में ही नहीं है बस ऐसे, ऐसे 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 बढ़ते चला जा रहा है जैसे कि यहाँ पर देखो मान लो ये हमारा यूरेनियम था इसको बॉम्बार्ड किया गया फिर यहाँ से क्रिप्टन बैरियम जो बना वो तो बना उसके अलावा देखो ये तीन न्यूट्रॉन बने ठीक है अब ये न्यूट्रॉन ने फिर से एक यूरेनियम को अटैक कर दिया इसने एक और यूरेनियम को अटैक कर दिया इसने एक और यूरेनियम को अटैक कर दिया तो क्या हो गया फिर से देखो तीनों जगह रिएक्शंस हुए तो अब देखो रियक्शन दो तीन न्यूट्रॉन यहां बन गया यहां एक दो तीन न्यूट्रॉन बन गया यहाँ पे एक दो तीन न्यूट्रॉन बन गया राइट तो पहले एक से कहानी शुरू हुई थी यहाँ पे तीन आ गया यहाँ पे नौ आ गए अब देखो क्या हुआ नौ से अब इस न्यूट्रॉन ने फिर से अटैक कर दिया तो यहां पे देखो तीन न्यूट्रॉन आ गए इससे तीन आ गए इससे तीन आ गए राइट तो बेसिकली नौ तो इधर ही आ चुके हैं करेक्ट यहां पे भी नौ है यहां पे भी नौ है तो शुरुआत वन से हुई फिर थ्री फिर नाइन फिर ट्वेंटी सेवन और इस तरीके से जो है ये ये क्या हो रहा रहा है है चलता ही चला जा रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर ऐसे ही चलने दिया जाए तो दिस विल टेक एन अनकंट्रोलेबल फॉर्म राइट और हर बार ये एक रिएक्शन हो रहा है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग तो आप खुद सोच के देखो जब ये अनकंट्रोल्ड वे में होगा तो कितना अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज होगी राइट तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड और रैपिड कब होता है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिटिंग द नेक्स्ट टारगेट बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन यानी कि जितने न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं उतने या उससे ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगले टारगेट को हिट कर रहे हैं जैसे यहां पर इस पिक्चर में क्या हो रहा है जितने न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं यहां तीन न्यूट्रॉन एमिट हुए तीनों के तीनों ने टारगेट को हिट किया फिर यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए 9 के 9 ने टारगेट को हिट किया तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिटिंग द टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड जितने एमिट हो रहे हैं उतने या उससे ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगले टारगेट को हिट कर रहे हैं तो वैसे केसेस में हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा ठीक उसी तरीके से कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कब होगा खुद सोच के देखो जब रिएक्शन कंट्रोल्ड और स्टेडी होगा यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ करना होगा कि यार ठीक है पहले स्टेप में मान लो ये तीन न्यूट्रॉन निकले निकले तो तीन न्यूट्रॉन हमने क्या किया देखो यहां पे दो डेविल्स बिठा दिए हैं कि भाई तुम्हारा काम है जो तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे ना उसमें से दो न्यूट्रॉन को तुम खा जाओ राइट right. तो इस डेविल ने एक न्यूट्रॉन को खा लिया इसने एक और को खा लिया तो बचा सिर्फ एक तो जो एक न्यूट्रॉन बचा वो तो एक ही टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता था राइट right? तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया उसने एक ही टारगेट न्यूक्लियस को हिट किया एज ए रिजल्ट फिर से तीन न्यूट्रॉन निकले बट हमने यहां भी डेविल बिठा रखे डेविल ने फिर से दो न्यूट्रॉन को खा लिया बचा फिर से एक न्यूट्रॉन तो उसने एक ही टारगेट न्यूक्लियस को हिट किया तो वहां पे फिर से डेविल मिल गया तो देखो यहां पे हर स्टेप में क्या हो रहा है एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि हर स्टेप में उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है हर स्टेप में समझ रहे हो तो इसीलिए यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज हैपनिंग इन अ कंट्रोल्ड वे तो इस चेन रिएक्शन को हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो यहां पर क्या हो रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिटिंग द नेक्स्ट टारगेट बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड इज लेस देन वन यानी कि जितने न्यूट्रॉन्स अगले टारगेट को हिट कर रहे हैं दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड यहां पे देखो कितने एमिट हुए थे एमिट तो तीन हुए थे बट कितनों ने हिट किया सिर्फ एक ने

एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट एक कंट्रोल्ड वे में सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो बच्चों अब डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में अबाउट अ न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा कि मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग न्यूक्लियर फिशन ठीक है अब ऐसा होने के लिए हमें न्यूक्लियर फिशन को करवाना पड़ेगा इन अ कंट्रोल्ड फैशन ठीक है इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली चीज न्यूट्रॉन्स नीड टू बी स्लो डाउन क्यों क्योंकि न्यूक्लियर फिशन के दौरान हमने क्या देखा कि हर हर एक एक स्टेप में में तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और न्यूट्रॉन कैपेबिलिटी तो होती है कि ये एक और रिएक्शन को स्टार्ट कर सके है ना तो हमें क्या करना जरूरी है इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना जरूरी है क्योंकि इन न्यूट्रॉन्स के पास अगर एक्सेसिवली हाई एनर्जी होगी तो ये तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे ये स्केप आउट कर जाएंगे राइट तो इसीलिए हमें क्या करना होगा इन को स्लो डाउन करना होगा ताकि ये एक दूसरे टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सके और फिर से एक फिशन रिएक्शन स्टार्ट कर सके ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ दूसरी चीज जिनका जिसका हमें ध्यान रखना होगा दैट इज एक्सेस न्यूट्रॉन्स नीड टू बी एब्जॉर्ब्ड मतलब हर स्टेप में तीन न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं तीनों न्यूट्रॉन्स जो है वो तीन अलग अलग टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकते हैं राइट फिर उनसे फिर से फिशन होगा तो हर एक फिशन से फिर तीन 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 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे सो दैट वेज यू नो द रिएक्शन चेन इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि जितने न्यूट्रॉन्स चाहिए सिर्फ उतने ही रहें और बाकी जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए ठीक है तो ये दो जो हमारे टेक्निक्स हैं इन दोनों टेक्निक्स के हेल्प से हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में करा पाएंगे और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवाएंगे इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर तो चलो हम देखते हैं कि इन दोनों टेक्निक्स को हम अचीव करते कैसे हैं तो हमारा एक टेक्निक था टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स राइट तो इसके लिए काम आते हैं मॉडरेटर्स मॉडरेटर्स होते हैं लाइट न्यूक्लियाई जो इलास्टिक कोलिजन के हेल्प से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं अब आप सोचोगे कि इलास्टिक कोलिजन से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कैरम के गेम का कैरम तो खेला होगा कभी ना कभी आई एम श्योर खेला ही होगा राइट right? कभी ध्यान से देखना कि कैरम के बोर्ड पर अगर कोई एक गोटी है जो बहुत तेजी से जा रही है कोई एक कैरम कॉइन है जो बहुत फास्ट मूव कर रही है अगर आप एक दूसरे हल्के से कॉइन को उससे कोलाइड करा दो तो क्या होता है वो जो फास्ट मूविंग कॉइन थी उसकी स्पीड कम हो जाती है क्यों कम हो गई कोलिजन की वजह से हमने कोलिजन के बारे में भी पढ़ा है राइट right? कोलिजन में क्या होता है दो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट डिफरेंट टू वेलोसिटीज वो कोलाइड करते हैं और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से क्या हो जाता है दोनों की स्पीड चेंज हो जाती है तो बेसिकली वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत तेजी से मूव कर रहा था वो कोलिजन के बाद स्लो डाउन कर जाता है एंड एग्जैक्टली exactly उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये जो मॉडरेटर्स होते हैं ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं जैसे कि वाटर हैवी वाटर ग्रेफाइट ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडरेटर्स की तरह यूज़ होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो अब बच्चों ये देखो कि मॉडरेटर्स के यूज़ करने से उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ मॉडरेटर ने क्या किया न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर दिया मतलब अब सारे न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ हिटिंग अनदर टारगेट न्यूक्लियस टू स्टार्ट फिशन रिएक्शन है ना तो मतलब जो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन्स निकले थे वो सारे के सारे अब एक एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते सिमिलरली वहां से जो तीन 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 और निकलेंगे वो फिर से आगे के लिए कैपेबल होंगे तो so, इससे क्या होगा? मटेरियल चाहिए? चाहिए. तो से बने होते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो जितने भी एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं किस तरह के मटेरियल के बने होते हैं तो कॉमनली जो मटेरियल यूज होता है कैडमियम क्योंकि कैडमियम में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके तो कंट्रोल रॉड से क्या होगा कंट्रोल हो जाएगा रिएक्शन ऑफ कोर्स क्योंकि पहले अगर आपके पास तीन न्यूट्रॉन निकल के आ रहे थे तो उसमें से अगर दो को आप एब्जॉर्ब करा दोगे तो आपके पास बचेगा ही एक न्यूट्रॉन राइट right? तो ऑब्वियसली आपका जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होने वाला था वो अब कंट्रोल्ड वे में होगा है ना तो कुल मिला के न्यूट्रॉन्स का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कम हो जाएगा मतलब किस रेट से न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई हो रहा था वो वाला जो रेट है वो अब एक छोटी सी वैल्यू हो जाएगी जिसकी वजह से अब हमारा ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड वे में होगा तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली exactly कैसा होता है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ये ठीक है इसमें आप देखो यहाँ पे होता है एक कोर इस कोर के अंदर होते हैं यूरेनियम इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम रॉड्स ठीक है क्योंकि यूरेनियम क्या है हमारा टारगेट न्यूक्लियस है राइट तो यूरेनियम जो है ये रॉड्स के फॉर्म में होते हैं और इसे इन्हें कहाँ डिप कर दिया जाता है दे आर डिप्ड इन लिक्विड मॉडरेटर मैंने बताया था मॉडरेटर क्या होता है जैसे कि वाटर हैवी वाटर ग्रेफाइट इनको हम मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं मॉडरेटर का, का काम क्या होता है मॉडरेटर का, का काम होता है कि जो हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो डाउन करना स्लो डाउन करना ताकि वो इतने हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स गायब ना हो जाए क्योंकि हमें उनकी जरूरत है ताकि वो वापस से टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सके और इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रख सके तो ये मॉडरेटर का काम का होता है ठीक है बट हमें ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड ना चला जाए तो कंट्रोल में रिएक्शन को कौन लाता है कंट्रोल रॉड्स एग्जैक्टली तो इसीलिए देखो हमने क्या किया है इस कोर में डिप कर दिए हैं कंट्रोल रॉड्स जो कि जनरली कैडमियम से बने होते हैं इनकी खास बात होती है कि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ठीक है तो इनका काम यही होता है ये इंश्योर करते हैं कि हर फिशन रिएक्शन में अगर तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन आगे दूसरे यूरेनियम रॉड को अटैक करें बाकी दो न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम क्या इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे इस कोर के अंदर जो फिशन रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ किस तरह का फिशन रिएक्शन हो हो इसके अंदर इसके अंदर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन हो ठीक है अब हमने ये भी देखा कि भाई फिशन रिएक्शन जैसे ही होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब इस कोर के अंदर खूब सारा हीट होगा राइट right? अब उस हीट को हैंडल करना भी ज़रूरी है इसके लिए हम क्या करते हैं वी पास वाटर थ्रू इट अब इतना गर्म है अंदर इतना हीट है उसमें से आप वाटर पास करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा वो हॉट हो जाएगा उस हॉट वाटर में से स्टीम निकल के आएगा एंड दैट स्टीम

कोर के अंदर जो यूरेनियम रॉड्स है जब ये खत्म हो जाते हैं तो उन यूरेनियम रॉड्स को हमें रिप्लेस करना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे लिए यूजफुल तो है ही बट भैया जो चीज़ एडवांटेज के साथ आती है उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी चली ही आती है तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एडवांटेजेस की बात करें तो नीडलेस टू से सबसे पहला एडवांटेज की जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज दूसरा एडवांटेज ये कि जो फ्यूल चाहिए होता है दैट इज इन स्मॉल क्वांटिटी बहुत थोड़े से क्वांटिटी में हमें फ्यूल चाहिए होता है अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो यहां पर जो फ्यूल होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है रेडियो एक्टिव नेचर बोले तो उसमें एबिलिटी होती है रेडिएशंस एमिट करने की और ये रेडिएशंस सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए काफी हार्मफुल होता है इतना ही नहीं दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान काफी सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल के आते हैं जो एक्ूमुलेट होते रहते हैं एंड एज अ रिजल्ट अगेन दे हार्म द एनवायरमेंट तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन विच इज न्यूक्लियर फ्यूज यहां पर दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अवियर न्यूक्लियस और इसके दौरान रिलीज होती है ढेर सारी एनर्जी एंड दैट्स न्यूक्लियर फ्यूजन अब न्यूक्लियर फ्यूजन का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स जैसे सन के अंदर भी जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस होती है तो सन के अंदर होता कुछ यूं है कि दो प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं अब सोचने वाली बात ये है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जा रहे हैं दिस इज़ लाइक अजूबा राइट क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं राइट right? और पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या होना चाहिए रिपल्शन कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करना चाहिए जो कि करता भी है तो अब आप खुद सोच के देखो कि अगर ये दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जा रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें वो आपस का जो कुलंबिक रिपल का रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा तब जाके ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर पाएंगे और ऐसा होता कब है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है इतना हाई होता है कि ये इन प्रोटॉन्स में इतनी इनफ एनर्जी होती है दैट दे कैन ओवरकम दैट कोलम का बैरियर कूलम का रिपल्सिव फोर्स उसको ओवरकम करके वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो देखो यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं एक तो हीट की बात कर रहे हैं बिकॉज वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर फॉर दिस टू हैपन और दूसरा हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं राइट और यहीं पर हम बात करते हैं थर्मो फ्यूजन की तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को होने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है तभी ऐसा होता है और देखो इसका एग्जाम्पल जो हमने बताया अभी एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स स्टार्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है क्या वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में होता है नहीं बिल्कुल नहीं वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंडर वो होता है राइट तो चलो आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे सूरज के अंदर सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूज

कुल मिला के इस पूरे रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कुल मिला के इस पूरे रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि फोर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दे कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विथ अ रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी समझ रहे हो कितना एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ठीक है ऐसा सच में होता है बिल्कुल सच में होता है चलो हम रिएक्शंस लिख के समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप तो अब हम ये मल्टी स्टेप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ठीक है तो सबसे पहला स्टेप नंबर वन जिसमें हम क्या देखेंगे प्रोटॉन और प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन फ्यूज करेंगे और ये रिएक्शन होगा जिसके दौरान हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे हैवी हाइड्रोजन जिसे ड्यूट्रॉन भी कहा जाता है हैवी हाइड्रोजन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रीनो प्लस जीरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी यह हमारा पहला स्टेप है अब इस स्टेप के दौरान हमें जो पॉजिट्रॉन मिल रहा है ई प्लस सेकेंड स्टेप में यही पॉजिट्रॉन रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ जब हमें गामा रेडिएशन्स मिल रहे हैं और साथ में मिल रहा है 1.02 पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ठीक है अब दूसरे स्टेप के अंदर इतना एनर्जी निकला लेकिन पहले स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे ये यह ड्यूट्रॉन भी मिला था राइट सो so, पहले स्टेप का जो पॉजिट्रॉन था वो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया बट पहले स्टेप का जो ड्यूट्रॉन था वो अभी भी फ्री बैठा है तो पहले स्टेप का जो ड्यूट्रॉन था वो आया यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री पे ठीक है इसने रिएक्ट किया किसके साथ प्रोटॉन के साथ और उसके बाद हमें क्या मिला हीलियम का थ्री ये वाला न्यूक्लियस मिला गामा और साथ में 5.49 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ठीक है अब इस थर्ड स्टेप में ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है ये आया फोर्थ स्टेप में और इसने रिएक्ट किया अनदर हीलियम के थ्री न्यूक्लियस के साथ और फाइनली हमें क्या मिला हीलियम फोर न्यूक्लियस जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था और साथ में इस स्टेप में हमें मिला 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ठीक है तो इसीलिए ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और उसमें भी इंटरेस्टिंगली ये जो स्टेप वन टू और थ्री है ये सारे स्टेप अकर करते हैं ट्वाइस ये दो बार होते हैं और जो आखिरी वाला स्टेप है ये होता है वंस ठीक है मतलब शुरू के तीन स्टेप दो दो बार होते हैं और ये एक बार होता है ठीक है तो अब जो आपका फाइनल रिएक्शन होगा वो कैसे मिलेगा वन टू और थ्री ये तीनों इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल ठीक है टू से मल्टीप्लाई करेंगे चलो करके देखते हैं तो लेटर सपोज इन सब को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ठीक है सब कुछ के साथ ये हो गया सब के साथ हम टू मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है कर दिया हमने मल्टीप्लाई बिल्कुल कर दिया लास्ट वाले स्टेप के साथ नहीं किया ठीक है अब नेट रिएक्शन निकालने के लिए इन सारे चारों रिएक्शन को अब हम ऐड कर देंगे ठीक है सारे लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो सारे राइट हैंड साइड ऐड कर दो देखो काफी सारी चीजें तो कैंसिल होने लग जाएंगी ठीक है सो इफ यू वांट वी कैन राइट इट हियर इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट इन योर नोटबुक्स ठीक है तो जैसे ही आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आप देखोगे ये जो एनर्जी की वैल्यूज है ना जीरो पॉइंट फोर टू इंटू टू प्लस वन पॉइंट जीरो टू इंटू टू प्लस फाइव पॉइंट फोर नाइन इंटू टू प्लस ट्वेल्व पॉइंट एट सिक्स इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी आप ये भी देखोगे जब लेफ्ट हैंड साइड पे सारे प्रोटॉन्स को आप लेके आओगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ फोर प्रोटॉन्स फोर हाइड्रोजन के एटम्स ही आपके पास बचेंगे फोर एच आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सो इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई दिस आउट योर कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इट इज सिंपल मैथमेटिक्स विच यू कैन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन और अगर हम लोग भी इसे ट्राई करना चाहें तो करके देख सकते हैं तो कुल मिला के बच्चों जब हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो हमें ये रिएक्शन मिल रहा है अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों तरफ जैसे कि 2e ई प्लस टू ई प्लस कैंसल आउट हो गई जैसे कि टू टू ए टू थ्री टू एच ई टू थ्री ये भी कैंसिल हो गई ठीक है इसके अलावा और क्या कैंसिल हो रहा है टू एच वन टू ये देखो टू एच वन टू ये भी कैंसिल हो गया ठीक है और क्या बचा और क्या बचा देखो 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 टू एच वन वन इधर है हाँ इधर भी है टू एच वन वन इधर टू एच वन वन ये भी कैंसिल आउट हो गया ठीक है तो अब कुल मिला के मेरे पास क्या बचा जो बचा वो लिख देते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड में अब मेरे पास बचा फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देखो बचा ना यहाँ पे इधर फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बचा और इधर क्या निकला फरगेट अबाउट द न्यूट्रीनो एंड द गामा रेज और इधर निकला क्या हीलियम का न्यूक्लियस राइट right? और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 26.7 कैसे आया ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली, वाली. सबको ऐड किया तो 26.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस तरीके से होता है न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड द सन तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो न्यूक्लियाई के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना है कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और धमाकेदार एक और जबरदस्त वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टे खेयर बाय